खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। और विद्यार्थी परिषद की बात तो मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ, ये लड़ाई उस समय से चल रही है, ऐसी विचारधाराओं से चल रही है जो हमारे देश की अच्छी यूनिवर्सिटी जो जेएनयू जाने माने यूनिवर्सिटी है वहां जाकर ये लोग देश को विरोधी तत्वों को गिरा देने का काम कर रहे हैं और देश को भ्रमित माओ को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं विद्यार्थी परिषद के प्रभाव होने के नाते बेगूसराय जिला में वो जेएनयू देश विरोधी धारा लगाने वालों को कहीं से किसी भी पर यहाँ रहने और यहाँ पे चुनाव जो लड़ रहे हैं जिस मंशा से उस मंशा को उखाड़ फेंकने के लिए एबीवीपी के लोग कहा जा सकते हैं। यहाँ जेएनयू और एबीवीपी का लड़ाई हो रहा है। जेएनयू के जो कंस जिनका नाम नहीं ले सकते, कभी भी नहीं ले सकते, धान जिला को उन्होंने धोने का काम किया है और ये जो आज भारत देश में चर्चित चुनाव हो गया है बेगूसराय जिला का, और हमको ऐसा नहीं लगता है चर्चित में कहीं वो चर्चित कहीं से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ राष्ट्रवादी ताकत है। हम लोग एक बनियों बन रहे हैं और 66 के चुनाव में भी हम लोग अच्छी विकासी की तरह करके विधायकवासी के लगातार उसे विरोधी ताकतों को मैंने हराने का काम किया। और बात रही यहाँ पे जो कुछ वैसे तत्व है जो बिहार में कई वर्षों से राज कर रहे हैं, जो छात्र संघ चुनाव में भी हम लोग को नॉमिनेट करने का काम किए थे, मैं उनको भी संदेश देना चाहता हूँ एमपी के एक कार्यकर्ता होने के नाते, जो हमारे पटना यूनिवर्सिटी पे जो जज आए हुए हैं घोटाला भ्रष्टाचार का जो जज हमारे यूनिवर्सिटी पे रोक रहे हैं बनवाने का काम कर रहे हैं, मैं भी उनको भी इस बार छात्र चुनाव में बात देता हूँ और आगे भी दूंगा। और यही मेरा संकल्प है कि मौका खास करके बेगूसराय जिला से संदेश देना है, वैसे देश विरोधी ताकतों को, वैसे परिवार विरोधी ताकतों को, वैसे भ्रष्टाचार विरोधी ताकतों को, नक्सलवाद के साथ जो खड़े होने वाले व्यक्ति उनको उखाड़ फेंकने का काम, आतंकवाद के खड़े हैं उनको फेंकने आप लोगों को उखाड़ फेंकने का काम किया है और आगे भी करते रहे। एक हम लोग का युवाओं के साथ संदेश है और युवाओं हम लोग सभी लगे हो बेगूसराय से संदेश देने के लिए हम लोग आते हैं। सभी लोगों से कहना चाहूंगी कि लोगों के कटोरे में ना आए बल्कि अपनी वोट जो है सोच समझ कर एक सही नेता को चुने, सही सरकार को चुने। लोग जो है हमारी सरकार को गिराने के प्रयास में लगे हुए हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अपने गंदे मंसूबे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए वो हमारी सरकार को गिराना चाहते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर दोबारा हमारी सरकार बनी आप मानते हैं कि आप तो जगह कन्हैया जो है सो
और एक दूसरा दुनिया में अच्छा है ऐसे लोगों पर लेकिन को इलाके को बर्बाद नहीं किया था इस नाम की बर्बादी को भी जाती है और तनवीर हसन लेकिन तनवीर हसन का जो भूल हो जाता वो दोनों तरह से अगर उनका हो मतलब मुस्लिम माता का जिस तरह कहा जाता है मुस्लिम माता का अगर दोनों तरफ है तो उसका गुण बढ़ रहा है इस नाते फिर आगे कौन आएंगे तो ये होगा वो दोनों बताएंगे कि मुस्लिम माता का आदेश का जो मतदाता है वो अभी रखने के साथ होगा लेकिन राष्ट्र के नाम के नाम पर और देश को बचाने के नाम पर उसमें भी बहुत तरह की सबसे पहले जो उम्र ये है यहाँ के क्या मुसलमान मतदाता पाकिस्तान अच्छा होगा कर देता है हिंदुस्तान में है और सबसे मुसलमान तो इसलिए और अधिकांश मतदाता सब ये नहीं है कि पाकिस्तान की बात मानो मुझे कम ही संख्या में लोग हैं जो पाकिस्तान की बात कम ही लेकिन जो है वो हावी बाकी सब चुप है चुप होना भी एक अधिक चुप ना हो बल्कि तो आगे आदमी है लेकिन बच्चे से जाने आज हम मुसलमान मतदाता में संख्या है तो महिला लेकिन मुसलमान मतदाता को निधारित इस तरह तरह का जो प्रयास किया जाता है मुझे तो क्या ये बड़ा होता है जैसे सेकुलर जितने लोग हैं वो सब सिर्फ मुसलमान के लिए सेकुलर इसलिए मुसलमान अगर कोई गलती करे तो उसको जाने को फर्ज है हिंदू की कोई गलती नहीं है तो उसको सजा जैसा कि आपने देखा था अलग की पिता दिल्ली आने वाला था तो क्या था जो बहुसंख्यक होंगे वो अपराध दंगा कोई करे सजा गवर्नमेंट का होगी इस तरह की बात करने वाले इस तरह की बात सोचने वाले आए आज दे रहे हैं कि हमने से बहुत आवाज करके आए पप्पा पप्पा का समाप्त कर मतलब कि आप वोटर को पार कर दीजिए सेना को उसका सर काट के ले जाते हैं और आप कर देते हैं तो कोई बाबा नहीं है वो उसको आपात सुरक्षा जिस तरह वहाँ पर नजर आया था तब प्रमाण सेना का सिर छोड़ देता है गाड़ी छोड़ देता है घायल हो जाता है हो गया मान बढ़ जाए तो सेना मारी जाए लेकिन इनका इनकी सरकार बने इस नाते को पाकिस्तान की बात करते हैं पाकिस्तान आदमी की बात करता है इनकी बात और उनकी बात दोनों उनका आरोप इनका आरोप दोनों मिलता है आपका आपका उनका कहने का मतलब है आपकी लड़ाई किससे लड़ाई लाइसेंस है आपने लड़ाई लड़ाई सबसे हम अकेले मैदान बाकी सब एक कभी विचारधारा और पार्टी जितने सेकुलर लोग हैं तभी देशद्रोह के पक्ष में है और हमको देशद्रोहियों से झगड़ा है बस वादियों से झगड़ा इसलिए हमारी हैसियत आप लोग जानते हैं आप लोग देखते हैं आपने अभी सवाल उठाया जो बाहर से ये कन्हैया के पक्ष में लोग आ रहे हैं प्रचार करने के लेकिन भाजपा के जो कैंडिडेट हैं वो खुद बाहर बेगूसराय के नहीं और इस चुनाव में लोकल और बाहरी एक मुद्दा बना हुआ कैंडिडेट आपको नहीं लगता है अगर भाजपा के कैंडिडेट राम लखन सिंह होते या रजनीश कुमार होते तो फिजा कुछ और होती और इस भाजपा की स्थिति अच्छी हो सकती थी ऐसा होता है कि हर जगह लोग जाते हैं लेकिन पार्टी की जरूरत पार्टी आपको नहीं लगता जब भाजपा के राम लखन सिंह राजेश कुमार या और भी लोग सक्षम है तो उम्मीदवार के लिए सर एक सवाल सर बेगूसराय संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत भूमिहार वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है क्या यह बढ़ता हुआ दिख रहा है क्या मजबूरी में भी भाजपा को ही देगा
भाजपा में पास में सरकार भी मिलेगा तो भाजपा भी देगा कि ये पूरी दिमाग की भाई फिर ये सब कुछ रहेगा ही ना तो जहाँ जहाँ भी लोग यार थोड़ा सा इधर उधर है दिखती आएगी उसमें मलयालम से पढ़ कभी नेता मलयालम होते थे बाकी लोग उनके थोड़ा बड़े बड़े करता था परसेंटेज क्या हो सकती है आज वो मलयालम वर्क करता है मैक्सिमम हमको आप 90% कर सकते हैं एक और विधवा तो भूमिहारी जाति से आते हैं एक और विधवा भूमिहार जाति से होता है वो भूमिहार को काट पाए नहीं काट पाए देख भूमिहार पर ये दिलता है भूमिहार पर ये काट ये भी कहावत है कहीं जब मैं फैलेगा उसी में बढ़ेगा अपना राशि का जो नाती है तो कैसे विश्वास करें वकील के सम्मान होता क्या है उनका ननिहाल अगर यहाँ का है तो वैसा और उनकी बुआ यहाँ की है तो कोई रुकता ये औरत मत है तो कोई रुकता एक आदमी से और एक गांव से आपका स्थान है अभी कोई सलाह है आपको सभी को आगे जाके कुछ भी नहीं बनवा तो ये होगा ये कहावत है ऐसी कहावत है कि कहावत है कहावत सही नहीं होता है कहावत नहीं होता तो सही नहीं होता आपको लगता है सर राम राज के बाद की बात करते हैं लेकिन कश्मीर में फिर आपकी वो नीति अवार हो जाती है ये खबर आई है कि आपके बीजेपी कैंडिडेट ने वो विज्ञापन मुसलमानों को पुष्ट करने के लिए हरे रंग में वो विज्ञापन दिया और कहीं इस पर भावना नहीं ये आपकी वो नीति नहीं है लेकिन वो सभी लाभ चुका है अगर अभी किसी ने दसवा गिराया कभी राष्ट्रपति ने समूह कर कश्मीर के लोग अगर आ रहे हैं प्रचार करने के लिए कन्हैया कुमार आप कश्मीर को अभी नंग मानते हैं भारत का अगर वहाँ के लोग प्रचार करने आते हैं तो फिर उस पर क्यों आप किया वो देश के लिए कश्मीर के लिए नहीं सोचते हैं वो हिंदुस्तान के लिए सोचते हैं पाकिस्तान की बात सारे के सारे जो हाँ नहीं सारे कश्मीर जो ऐसा करते हैं वही हाँ सारे कश्मीर को अपने कर पाकिस्तान को इतना आप नहीं जो कश्मीर पाकिस्तान के हिमायत की बात करता है पाकिस्तान के मिलने की बात करता है पाकिस्तान की बात करता है जो कश्मीर और उसी नारे को सर एक सवाल सर राजनीति आप करते हैं विपक्षी पार्टी करती है सभी लोग करते हैं लेकिन उसमें जो माँ को लाया जाता है नानी की बात की जाती है क्या इसकी क्या मर्यादा है क्या परिभाषा देना चाह रहे हैं आप लेकिन वो आते हैं सिर्फ अपने के किसी खास पहुंच के तो ये बस का था पंपों का तुम्हें नहीं होता ये राज का था पंपों का तो था ये राज का तो कई मांगा होता था तो वहां से के किसी का अपने को तो क्या था से क्या तो सभी का से सही नहीं पाया भाषा को मर्यादित होना चाहिए राजनीति में या नहीं भाषा में बिल्कुल मर्यादित होनी चाहिए लेकिन राजनीति का मर्यादा कर ही जा रहा है लेकिन भाषा का आवाज भी होना चाहिए भाजपा में सबसे के जो चेहरे नहीं दिखाई पड़ रहे वो भी दिखाई पड़े जैसे आप मान सकते थे कि हमने नहीं दिखाई दिए थे कहिए कुछ 65 में गए लेकिन सामूहिक रूप से नहीं आ सके थे उनको आप मान सकते थे लेकिन हम उपस्थित थे और उपस्थिति हमारी दर्ज होगी और जोरदार उपस्थिति भाजपा के विरुद्ध जो हमने बताया उस बात पर जरा ध्यान देंगे तो समझ आ जाएगा कि भाजपा के खिलाफ जो दोनों प्रत्याशी हैं वो दोनों मुसलमान वोट को आकर्षित करने के लिए तरह की बात मुसलमान वोट भी दुविधा में है कि हम किधर जाएंगे उधर मुसलमान वोट मुसलमान होने के नाते ज्यादातर उनके पास में जाने की उम्मीद है रमेश जी के पास ठीक है और अगर मुसलमान को देखेगा कि तनवीर जी चुनाव के दौर में नहीं है तो फिर वो गलिया के साथ
कुछ न कुछ हटेगा उनका भी वोट दिए होंगे। भूमिहार वोट तो आप डालते होंगे बहुत दिनों से, भाजपा के तरफ बना हुआ मजबूरी में भी बना ही रहेगा। तकलीफ होती है किसी को भी किसी बात से, हम सही भी करेंगे आपके हित में, अगर वो नहीं हुआ तो आपको तकलीफ, लेकिन सामूहिक हित में अगर बात होती है तो लोग मान भी जाते हैं और भूमिहार वोट देगा ही देगा। कन्हैया नारा लगाते हैं दूसरी तरफ वो नलेवार और इस्लाम पर भी वोट मांगते हैं, वो क्या है कंफ्यूज है उनको ये जानकारी नहीं है या वो इतना स्वागत वही बता भी धरती ऐसी बड़े प्राकृतिक और पुण्य लोगों के लिए पुण्य आत्मा की धरती थी और बड़े प्राकृतिक लोग होते थे अपने इस्लाम का दिवस का नाम है और बिहार में कितना प्रतिशत आएगा आप सर्वे करके देखें, बिहार में बिहार होने के नाते उनका वोट नहीं से को 2 लाख से 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास 3 लाख जन लग सकते हैं। थोड़ा सा अगर परिस्थिति विशेष फर्क का मौसम थोड़ा ज्यादा हो जाता होगा तो ज्यादा हो सकता है। इस वार्ता के लिए बैठे हैं सभी माननीय सदस्यों हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और हमारे पार्टी के सभी पार्टी मतलब संघ और अनुसांगिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र जो जितने भी लोग हैं हमारे सहयोगी हैं, सब लोग मिलकर हम लोग अपनी विचारधारा को, राष्ट्रवाद को, राष्ट्रीयता को और राष्ट्रवादी तत्व को आगे लाना चाहते हैं। इसमें भी हमें काम कर रहा है और आज के लिए देख रहे हैं कि जो चला गया वो तो फिर से आना चाहिए, हम सब नहीं चाहते हैं कि वैसे भूल को फिर से आने दो जिसने जिले को तबाह किया, जिसने पूरे प्रदेश को तबाह किया, देश के लिए कलंक बना हुआ जिससे अस्वस्थ रहे थे और निमोनिया हो गया था, इसलिए हम थोड़ा सा आराम में थे, क्योंकि आज से अब से हम लोग काम में लग गए हैं और हर क्षेत्र में हम लोग लगे हुए हैं, हर क्षेत्र में लगने वाले हैं, जहाँ जो कमी हो उसको हम लोग दूर करेंगे। हमको जब राष्ट्रवाद को स्थापित करना है तो जो और राष्ट्रवादी तत्व है, जो अराजक तत्व है, उसको हम दंडित करेंगे, दूर करेंगे। अभी फिलहाल जैसे दंडित करना का मतलब ये भी है कि चुनाव में उसको कोई असर नहीं है, दूर करेंगे का मतलब देश के खिलाफ जो या सरकार के खिलाफ भी जो अनाप शनाप की जो बातें कर रहे हैं, जो बेवजह का कलंक लगा रहे हैं, जो बेवजह का आरोप लगा रहे हैं, वैसे बात को सब आम आदमी समझ रही है, जनता समझ रही है, आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन उनको समाचार बनाना होता है, इसलिए उनकी बातों को थोड़ा प्राथमिकता दे दी जाए। अच्छे चीजों का पॉजिटिव चीज लोग रखे ना रखे, निगेटिव चीज ज्यादा निगेटिव चीजों को इस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को दिखाया गया है जिस तरह नंगाना के लोग कर रहे हैं, वो लोग वोटर नहीं, कहाँ से इनको धन आ रहा है, कहाँ से कितना लोग कर रहे हैं, वो लोग वोटर नहीं है लेकिन दिखावा कर रहे हैं। जनता का भरोसा देखना है, कोई गलत चीज देखना है तो देखने के लिए जनता दर्शक बन के देख देती है, लेकिन जनता निर्णय करने के साथ समय उचित निर्णय करेगी, जनता का ही भरोसा होता है, जनता पर ये भरोसा राजनीतिक दल का होता है, हम लोगों के दल का है, तो जनता उचित निर्णय करेगी, लेकिन हम लोगों का संगठन अगर कहीं दूर है, कहीं कोई कमी है, उसको दूर करने के लिए हम लोग लगे थे तो लगे, हम नए सिरे से पीछे लगे जा रहे हैं और हमारा उम्मीदवार यहाँ से हमारे जो उम्मीदवार है वो जीतेंगे ही जीतेंगे, हमारा मन काफी आगे चल रहा है, लेकिन उसको ढूंढाने के लिए बजाने के लिए लोग अपना स्वागत रहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि भाजपा गुजरा है, भाजपा में अगर एक जुटता की नए लोग आते हैं तो अनुभव की कमी होती है, जो काम करने के लिए आगे चले आए लेकिन अनुभव नहीं, तो अनुभव वाले लोगों को आगे करना होगा, उनके साथ वैसे लोग भी होंगे जो अनुभव नहीं रखते हुए तो उत्साह रखते हैं और उनके उत्साह से काम लेना है, अनुभव से रास्ता दिखाना है, ये उन लोगों का एजेंडा है, ये उन लोगों की तैयारी है और अभी से हम लोग बिल्कुल को पहुंच चुके हैं, अभी से हम लोग अपने कार्य से तो लगने वाले हैं और अंतर आवाज और मन से हमारे उम्मीदवार को दिखाएंगे, ये मैंने उम्मीद है और ये पाखा हुआ, ऐसा नहीं अगर उम्मीद रखते हैं क्या हुआ ये संभावना
क्या ये नहीं करता है, ऐसा नहीं। जो उम्मीद है उसके अनुरूप हम आगाम किया और हमने पीछे पिछले समय से लगातार हासिल किया है, या कभी गठबंधन के नाम पर या कभी भाजपा के नाम पर। भाजपा का गठबंधन एनडीए हमेशा आगे आती रही है, आगे आएगी, और गठबंधन का भी मजबूत सहयोग एक दूसरे को मिल रहा है। हम ये निश्चय सत्य को निश्चित रूप से हम कहेंगे कि हमारा एक उम्मीदवार जीतेगा और काफी मत के अंतर से जीतेगा, काफी ज्यादा मतों से जीतेगा हमारा उम्मीदवार। और बाकी हमारे जो साथ में जो है वो लोग सब अपनी अपनी बात भी कहेंगे, आप समाधान जैसे हमारे कोई हमारे लिए कोई प्रश्न होगा जो समाधान मिलेगा हम आगे करेंगे, जाना चाहते हैं जान करेंगे। धन्यवाद।